जोधपुर सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों जोधपुर में है अपनी आने वाली फिल्म शेर सिंह की शूटिंग में व्यस्त है पूरी तरह से। तकरीबन 10 दिनों से लगातार वो जोधपुर में इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और साथ ही इस फिल्म की हीरोइन आम्रपाली दुबे भी उनके साथ हैं। अलग अलग लोकेशन पे फिल्म शूट हो रही है और यहाँ आपको बता दे कि राजस्थान के जिन जिन जगहों पर फिल्म की शूटिंग हो रही है वहाँ इससे पहले कई सुपरहिट हिंदी फिल्मों की शूटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फिल्म कितने लार्ज बजट पे बनाई जा रही है और फिल्म का स्केल कितना बड़ा है। लेकिन पवन सिंह जिस तरह से अपने भोजपुरी दर्शकों का दिल जीतना जानते हैं, ठीक उसी तरह से अपने घर वालों का भी ख्याल और दिल दोनों जीतना जानते हैं। आपको तो पता ही होगा कि 11 अगस्त को पिछले साल 2017 में ही पवन सिंह के पिता का देहांत हो गया था और ठीक 11 अगस्त को ही उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। ऐसे में पवन सिंह जोधपुर में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उनकी पत्नी चाहती थी कि पवन सिंह उनके पिता के पुण्यतिथि के मौके पर अपने पैतृक गांव आरा ही रहे। पवन सिंह की पत्नी ही क्यों, पवन सिंह की मां भी चाहती थी कि उनका लाडला बेटा इस मौके पर अपने पैतृक गांव ही रहे, लेकिन पवन सिंह की शूटिंग के चलते कोई यह बात उन्हें कह नहीं पा रहा था। लेकिन बातों बातों में ही पवन सिंह को ये बात पता चल गई। पवन सिंह ने भी फिल्म के डायरेक्टर से एक दिन की मोहलत मांगी, सीधे राजस्थान से फ्लाइट पकड़ पटना पहुंच गए और पटना में भी इस बात की खबर किसी को नहीं थी कि पवन सिंह आने वाले हैं। जैसे ही पवन सिंह वहां पहुंचे, पवन सिंह की मां के साथ साथ पवन सिंह की पत्नी ज्योति के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आरा की ही तस्वीर है जब पवन सिंह अपने पिता के पुण्यतिथि के मौके पर पहुंचे थे, फिर शाम की ही फ्लाइट लेकर वापस वो अपने शूटिंग स्पॉट पर पहुंच गए। इसे कहते हैं सुपर डुपर एक्टर एंड ह्यूमन बीइंग, जो अपने रिलेशन तो निभाना जानता है साथ ही फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की मेहनत और टाइमिंग का भी ख्याल रखना जानता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।